दोस्तों, अगर आप भी रविंद्र जडेजा को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन अपने खतरनाक बल्लेबाजी से रविंद्र जडेजा ने शतक जड़कर इतिहास रच दिया। जी हां दोस्तों, इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने रविंद्र जडेजा की शतकीय पारी पर कह डाली कुछ ऐसी बातें जिससे उनका, रविंद्र जडेजा के साथ साथ उन्होंने वाकई में सभी का दिल जीत लिया। आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी ने रविंद्र जडेजा पर ऐसा क्या बयान जारी किया, ये सब तो आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप रविंद्र जडेजा की शानदार बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया, लेकिन पहले बल्लेबाजी करने आई भारतीय टीम की शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं रही। और आपको बता दें कि भारतीय टीम के 5 बड़े बल्लेबाज सस्ते में आउट हो गए। इसके बाद ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम मुश्किल से इस मुकाबले में 200 रन का आंकड़ा पार कर पाएगी और इससे भी कम रन पर ऑल आउट हो जाएगी। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए रविंद्र जडेजा ने ऋषभ पंत के साथ मिलकर तहलका मचा दिया। और पहले तो ऋषभ पंत ने अपना शतक बनाया, लेकिन इसके बाद ये भी आउट हो गए। रविंद्र जडेजा ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और इंग्लैंड की टीम के गेंदबाजों को अपने बाजुओं की ताकत दिखानी शुरू कर दी। आपको बता दें कि उन्होंने इस मुकाबले में अर्धशतक तो पहले ही पूरा कर लिया था, लेकिन अब उन्होंने दूसरे दिन 79वें ओवर में लगातार 2 चौके जड़कर अपना शतक भी पूरा कर लिया। उन्होंने ये शतक मात्र 181 गेंदों पर लगाया और इसके बाद एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में आउट हो गए। उन्होंने इस मुकाबले में 194 गेंदों पर 104 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली और उन्होंने अपनी इस पारी में 13 खूबसूरत चौके भी जड़े। और इनकी इस बल्लेबाजी को देखकर महेंद्र सिंह धोनी ने बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने बताया कि जडेजा एक बहुत ही शानदार बल्लेबाज है और उन्होंने आज इंग्लैंड के खिलाफ अपनी बल्लेबाजी से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल जैसे बड़े बड़े बल्लेबाज के आउट हो जाने के बाद निचले स्तर पर बल्लेबाजी करके इस तरह की ताबड़तोड़ शतकीय पारी खेलना किसी महारत को हासिल करने से कम नहीं होता है। आज रविंद्र जडेजा ने अपना शानदार शतक जड़कर सभी को यह दिखा दिया कि रविंद्र जडेजा किस कोटि के खिलाड़ी हैं और ये भारतीय टीम के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं ये। मेरे बाद अगर भारतीय टीम के लिए कोई खिलाड़ी मैच को अच्छे तरीके से फिनिश कर सकता है तो वो सिर्फ रविंद्र जडेजा है। दोस्तों, ये था महेंद्र सिंह धोनी का रविंद्र जडेजा की शानदार बल्लेबाजी यानी कि शतकीय पारी पर बड़ा बयान। वैसे रविंद्र जडेजा भारत के अच्छे फिनिशर बल्लेबाज हैं या फिर नहीं, इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में आप दीजिए। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।